तो हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो जिनको इस खास इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है तो वो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे। अगर वो हमारी वीडियो स्किप करेंगे तो उन्हें फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो आज की जो खास इन्फॉर्मेशन वो ये है, आप लोग को जैसे कि पता है मैं एक हाउसवाइफ के साथ साथ एक मोदी केरियन हूँ। तो जैसे देख सकते हैं गाइज, मेरा आईब्रो बढ़ा है लेकिन मैं पार्लर नहीं जा पा रही हूँ। तो उसी तरह कभी कभी हर एक आदमी का एज होने के बाद, चाहे ऐसे भी कभी, मतलब आजकल तो ट्रेंड में है लड़कियां पार्लर जाती हैं, जो औरतें वोमेन है वो भी पार्लर जाती है, सब पार्लर जाने की शौकीन हो चुकी हैं, आप लोग को पता है। लेकिन अगर कभी मान लीजिए जैसे कोरोना आती है, लॉकडाउन लग गई, तो हम लोग पार्लर नहीं जा पाते हैं। इस सिचुएशन में अगर हम पार्लर के आदि हो चुके हैं तो घर में बैठ के तो हमारा फेस अच्छा नहीं दिखेगा। तो हमारे पास वो सोल्यूशन है कि हम घर में बैठ के कैसे खूबसूरत दिखेंगे। तो आज हमारी जो मोदी केयर की प्रोडक्ट है, ऐसे तो मोदी केयर में बहुत सारी फेशियल का मतलब ये है प्रोडक्ट है, लेकिन एक स्पेशल मैं लाई थी गोल्ड का, एक और वीडियो मैं उस पर बनाई हूँ। तो आज का मैं उसका स्टेप बाय स्टेप आज भी डाली हूँ। तो गोल्ड का जो मैं फेशियल किट लाई थी तो एक बार मैं कर चुकी थी और बचा था तो आज मैं की हूँ। सोचिए एकदम कम प्राइस में बता ही देती हूँ आखिर प्राइस आप लोग को, आप लोग मेरे अपने हैं इसलिए मैं आप लोग से नहीं छुपाती हूँ। 225 रुपीज में आप फेशियल का पूरा किट लाएंगे जिसे आप अपने फेस पे दो तीन बार जरूर कर पाएंगे। मैं दो बार कर चुकी, मेरा भी बचा है, तीन बार आप कर लेंगे। और देखिए मेरा फेस, आप एकदम नजदीक से मैं आप लोग को दिखाती हूँ, थोड़ा सा डेड स्किन यहाँ पे हो गई थी बट अभी कुछ नहीं, आप लोग देख सकते हैं मेरे फेस को। मैं ये वीडियो मैं जब भी शूट कर रही हूँ ना, ये फेशियल करने की बात की है और जहां से आप देखेंगे वो स्टार्टिंग से है। तो मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो चलिए, ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं नहीं दूंगी और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं उसकी फुल डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के साथ में दो दिन बाद में मेरा जो एक और चैनल है यूट्यूब का श्वेता कुमारी मोदी केयर, वहां पे आएगा आपका वो वीडियो फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। वहां हर एक चीज का इन्फॉर्मेशन आपको मोदी केयर के बारे में मिलेगा। तो चलिए इसमें इस वीडियो में आप देखिए जो मैं फेशियल की हूँ तो कैसे की हूँ, क्योंकि मैं सीखी नहीं हूँ, मैं खुद से अपने पर कर लेती हूँ, तो मैं करने के बाद कैसी दिख रही हूँ। तो चलिए बनिए रहिए और देखिए वीडियो, फिर मैं लास्ट में आप लोग से मिलती हूँ। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ और थोड़ा माइंड मत करिएगा क्योंकि मैं कोई ब्यूटिशियन सीखी नहीं हूँ। मैं जो भी मैं जानती हूँ अपनी मोदी केयर के थ्रू से ही मैं जानती हूँ, मुझे जो भी थोड़ा बहुत आ रहा है वो मैं यहाँ से ही सीखी हूँ, ठीक है। मैं भी मतलब जैसे कर रही हूँ दिखा रही हूँ आपको, मैं अगर कर सकती हूँ तो आप लोग भी गाइस कर सकते हैं डेफिनेटली। तो जरूर प्रयास कीजिए, छोटी सी प्रयास से बहुत कुछ हो सकती है, तो कीजिए। चलिए देखिए, मैं इसके बारे में बाद में आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए, ये हमारी क्लिंजर है, ठीक है, ओके। अभी आपको थोड़ी देर में जब मैं सारा स्टेप करूंगी फिर रिजल्ट देखने को आप लोगों को मिल जाएगा गाइस। तो देखिए गाइस, मैं अपने फेस को क्लींजिंग कर चुकी हूँ, इतनी एक क्लींजिंग से कितना साइन आ गया मेरे फेस पर आप देखते चलिए। और ये मैं गोल्ड का स्क्रब करने, सेकेंड स्टेप स्क्रब करने जा रही हूँ। मैं यहाँ पे मतलब करने के समय नहीं बोलूंगी, ठीक है, और बाद में मैं इसमें वॉइस कुछ डाल दूंगी किसको कितना मिनट करना है क्या इसका ये है, ठीक है। तो अभी चलिए मैं इसको लेके स्टार्ट कर रही हूँ। स्क्रब हल्के हाथ से किया जाता है गाइस। सर्कुलर मोशन में अब
अब देखिए गाइस, मैं अपने फेस पे स्क्रब करके आ चुकी हूँ। अब मैं चलूंगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो थर्ड स्टेप जो है हमारा वो है गोल्ड क्रीम। तो मैं भी क्रीम अप्लाई करने जा रही हूँ, तो बने रहिए आप। तो चलिए मैं क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा फीलिंग्स आ रही है। मेरे यहाँ पे थोड़ा सा डेड स्किन हो गया था, मैं सिर्फ स्क्रब और क्लींजर की हूँ, उसी से मतलब मेरा ये ठीक अच्छा फीलिंग्स आ रहा है। अच्छा, अच्छी लग रही हूँ। अच्छा मतलब अंदर से जो इरिटेशन हो रहा था वो अच्छी फीलिंग्स आ रही है मुझे। चलिए अब मैं क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। आप अभी मेरे तरह घर में बैठ के खुद पे फेशियल कर सकते हैं। तो देखिए मैं अपनी क्रीम भी अप्लाई करके आ चुकी हूँ। तो आप देखते जाइए जी मेरे फेस का कैसे मेरे फेस पे निखार आते जा रहा है। जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप करते जा रही हूँ मेरे फेस पे निखार आते जा रहा है। अब जो ये हमारी है स्टेप चार है, आप देख सकते हैं इसे मैं जेल को इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, स्टेप फोर हमारी जेल है। जेल देखिए गाइस, एक छोटी सी बात, मुझे आईब्रो सेव करना, मैं भी वो भी जल्द ही सीखूंगी, नहीं आ रही, जिसकी वजह से मैं आईब्रो मेरी बढ़ी हुई है, मैं नहीं जा पा रही हूँ बाहर। तो उसी तरह सोचिए, अगर मेरी फेस कुछ डल दिख रही है और मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ तो मैं बिकॉज वो फेशियल नहीं कर पाऊंगी। तो अगर मुझे फेशियल करने आ रही है तो मैं घर में फेशियल करके ब्यूटीफुल दिखूंगी। तो आप लोगों ने देखा मैं जेल का इस्तेमाल कर ली, जेल मेरी सूख भी गई है। तो अब मैं जो इस्तेमाल करूंगी वो है मास्क, गोल्ड का मास्क, फेस मास्क। तो चलिए मैं मास्क को इस्तेमाल कर रही हूँ। ओके, चलिए मैं इसे धोने के बाद फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो गाइज मैं फाइनली जो हमारी पैक थी उसको मैं धो चुकी हूँ, क्लीन कर चुकी हूँ। अब जो मेरा लास्ट स्टेप है वो है मेरा सीरम। तो मैं भी अब सीरम को इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब देखिए मैं सीरम को लगा रही हूँ। ठीक है, और आप लोग को मैं अच्छे से अब देख सकते हैं मेरा फेस। मैं रेडी हो चुकी हूँ फेशियल करके। मैं अपने फेस पे क्या लगा रही हूँ मम्मा? नहीं कुछ बेटा, रुक जाइए। क्या लगा रही हो तुम? तो अब आप लोग मेरे फेस को देख सकते हैं, जहाँ मैं स्टार्टिंग की वहाँ की फेस, और लास्ट अभी मैं सीरम वडम लगा के रेडी हो चुकी हूँ मेरा फेशियल का सारा स्टेप। तो गाइज आप लोगों ने हमारी वीडियो देख ली, तो आप लोगों को क्या लगा, मेरे फेस में कुछ परिवर्तन दिखा या नहीं दिखा?
अभी भी मैं गाइस पता है फेस क्रीम कोई भी इस्तेमाल नहीं की हूँ, बट हाँ थोड़ा सा लिपस्टिक मैं यूज की हूँ, बट क्रीम मतलब सच्ची दिल से बोले एक भी क्रीम मैं फिर फेस पे नहीं लगाई हूँ। आप देख सकते हैं कोई भी क्रीम मेरे फेस में नहीं है, तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन प्रेस करिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको जाना तो मुझे कमेंट करिए। तो चलिए फिर मैं कल मिलती हूँ, आज के लिए मैं विदा ले रही हूँ, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।